हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अपने एक स्टूडेंट से मिलवाना चाहूंगा। नाम है सृष्टि गुप्ता, जो अभी यूएस में है। अभी जीआरई के थ्रू पहले एमएस कंप्लीट किया, आज यूएस की एक टॉप कंपनी में जॉब कर रही है। आप में से कई लोगों ने एक मैसेज भेजा था और आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि बी के बाद क्या किया जाए, कैट, जीआरई, जीमैट या गेट की एग्जाम्स की प्रिपरेशन की जाए। सृष्टि ने यहाँ पर इम्पिटस गुरुकुल में 11th 12th में पढ़ाई करी, बी करा, बी में ब्रांच सिविल थी। फर्स्ट ईयर में थोड़ा कंफ्यूजन था कैट को लेके कि मैनेजमेंट फील्ड में जाना है कि अपने सब्जेक्ट की फील्ड में जाना है, पर फर्स्ट ईयर होते होते ये डिसाइड हो गया था कि सिविल ब्रांच में ही कुछ आगे करना है। और एक चीज पहले से डिसाइडेड थी कि जो भी करेंगे वो टॉप कॉलेज से करेंगे। फिर गेट की प्रिपरेशन की और साथ में जीआरई के लिए फोकस किया। देन फाइनली सेकेंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद ये भी प्लान कर लिया कि नहीं, मुझे जीआरई के थ्रू यूएस जाके एक अच्छी यूनिवर्सिटी से कोर्स करना है। इसने जीआरई का क्रैक किया, बहुत अच्छे स्कोर्स के साथ किया, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से जीआरई के थ्रू एमएस कंप्लीट किया, आज जॉब कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि आप सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को दो कि क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे ये तो डिसाइड करते हैं कि कैट की प्रिपरेशन करना है, जीआरई, पहले तो इसमें ही कन्फ्यूजन चलता है। और देखिए, एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर आप सोचते हैं कि कैट एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आपका एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ओवरऑल परफॉर्मेंस, 10th से 12th सब कुछ देखा जाएगा। अगर आप जीआरई की तरफ चाहते हैं तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप जीमेट की तरफ जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप गेट देना चाहते हैं तो आपके सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होना चाहिए। पर ये चारों एग्जाम के नेचर में बहुत डिफरेंस है, पर कई बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक भी, और इसीलिए कई बार उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता फर्स्ट अटेम्प्ट में। आपने क्योंकि सेकेंड ईयर में डिसाइड कर लिया था करना क्या है, इसीलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया, अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने एमएस किया। तो बच्चों को पहले ये बताइए कि अगर वो सपोज जीआरई के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या स्किल्स हैं जो डेवलप करना चाहिए। दूसरा, बी में कई बच्चे सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते, गाइड से पढ़ाई करने लगते हैं। मेरा ये मानना है कि गाइड से अगर पढ़ाई करेंगे तो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम होगी। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर बच्चों को बताओ आप कि वो क्या क्या चीजें हैं जो फर्स्ट ईयर से ही वो स्टार्ट कर दें और फिर वो फोकस रहें और फाइनल आते आते तक उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करे वो निकाले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सृष्टि गुप्ता एंड मैंने एमएस किया है यूएस से। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय एट अर्बाना शैम्पेन। उसका अभी वर्ल्ड रैंकिंग अंडरग्रेड के लिए नंबर वन है यूएस में, और अगर ग्रेड स्कूल का बात की जाए एमएस के लिए नंबर टू है। और अभी मैं मॉर्टनसन कंस्ट्रक्शन के साथ काम कर रही हूँ, दैट्स नंबर 5 कंस्ट्रक्शन कंपनी इन यूएस राइट नाउ। सर, जैसा कि आपने बोला कि जो ये चार एग्जाम्स होते हैं जिसमें हर बच्चा जो अभी बीई कर रहा है वो कंफ्यूज रहता है कि आपको क्या करना है, कैट करना है, जीमैट करना है, जीआरई करना है या गेट करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप फर्स्ट ईयर में जब होते हैं तो ये डिसाइड कर पाएं कि आप अपनी टेक्निकल फील्ड में रहना चाहते हैं या आप उससे हटके कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप कैट या जीमैट की तरफ जा रहे हैं तो मतलब आपका पूरा फोकस मैनेजमेंट पे रहेगा और आप अपने टेक्निकल एबिलिटी पूरा छोड़ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है बी फर्स्ट ईयर में आके कि इंजीनियरिंग इज नॉट माय थिंग या मुझे जो मैंने फील्ड चूज कर ली है उसमें आगे नहीं पढ़ना है या इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग मैंने जितना सोचा था, तो फिर आप कैट की तरफ या जीमैट की तरफ जा सकते हैं। बट अगर आपको ये रियलाइज हो जाता है कि नहीं, मैं सच में अपनी फील्ड में कुछ करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, या कि हाँ मुझे कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है और मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, या मुझे सिविल्स में इंटरेस्ट है या मुझे मैकेनिकल में इंटरेस्ट है और मुझे उसी में आगे बढ़ना है, तो आपका फोकस क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे जीआरई और गेट पे ही फोकस करना है। तो एटलीस्ट आपके पास ये क्लैरिटी आ जाती है कि आपको मैनेजमेंट की तरफ जाना है या फिर आपको अपने टेक्निकल एबिलिटी के साथ स्टिक करना। तो जब मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में थी, दैट इज व्हेन दिस ऑल स्टार्टेड, राइट? हम सब फर्स्ट ईयर में होते हैं, फिर हमारे दिमाग में आता है कि इसके आगे क्या, क्योंकि इंजीनियरिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं, हमको सिर्फ इंजीनियरिंग करके नहीं रहना है, हमको आगे मास्टर्स डिग्री चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में जब मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं हम बेसिक सारे सब्जेक्ट्स, तो जब मेरे पास सिविल इंजीनियरिंग का मेरा एक्चुअल सब्जेक्ट आया था, आई वॉज लाइक नहीं, मुझे इसी में ही आगे करना है, आई रियली लाइक इट। सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे या तो जीआरई करना है या फिर गेट करना है। एंड उसके बाद क्योंकि हमारे यहाँ पे जीआरई का उतना एक्सपोजर नहीं है, हमको नहीं पता कि एग्जैक्टली करना क्या है, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट यही होता है कि गेट जाते हैं, क्योंकि गेट का ज्यादा लोगों को नॉलेज है, आप पूछ सकते हैं लोगों से कि गेट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो सेकेंड ईयर में आते आते मेरा फर्स्ट फोकस वही था कि मैं गेट करके एम टेक करूंगी। बट उसके बाद मैंने और जब रिसर्च करी खुद से और सर से पूछा और एक दो लोगों से पूछा जो बाहर से एमएस कर रहे थे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे शायद जीआरई पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो बाय द एंड ऑफ सेकंड ईयर आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे जीआरई पे ही फोकस करना है। थर्ड ईयर के बिगनिंग में आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे गेट के लिए नहीं प्रिपेयर करना है, मुझे जीआरई पे ही फोकस करना है। उसके बाद सर से बात करी और एक दो और लोगों से बात करी,
तो सबसे ये समझ में आया कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरा इंग्लिश उतना स्ट्रांग होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि हम यहाँ पर बी जब कर रहे होते हैं तो इंग्लिश पे बिल्कुल भी फोकस नहीं रहता है। आपकी स्कूलिंग कितनी भी अच्छी हो, वो 4 साल में आप कम ही होती जाती है आपकी इंग्लिश की एबिलिटी। तो सबसे फर्स्ट फोकस था कि आप अपनी वोकैब पे काम करें, क्योंकि जीआरई के लिए जो वोकैब होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ 1200 से 1400 वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हम रेगुलर में कभी यूज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट फोकस था कि वो 1200-1400 वर्ड्स में से कम 1000 वर्ड्स याद होने चाहिए कि उनके मीनिंग क्या है और वो कहाँ पे यूज होते हैं। तो दैट इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वन शुड डू अगर आप जीआरई के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं। एंड सेकेंडली मैथ्स। तो मैथ्स कितना आता है, कितना नहीं आता है, 12th तक मैथ्स होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, कितना अच्छा है, इस सब पे नहीं फोकस करना चाहिए। फोकस है कि 10th तक का मैथ्स कितना अच्छा था, क्योंकि 10th तक के मैथ्स ही है जो जीआरई में मेजरली आता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका 10th तक का मैथ स्ट्रांग हो, या फिर आप उस पर और वर्क करें कि वो स्ट्रांग होता जाए। तो जब एक बार मैंने ये शुरू कर दिया अपने वोकैब पे काम करना और अपने मैथ्स पे काम करना, नेक्स्ट थिंग वॉज कि मैं करना कहाँ से चाहती हूँ, लाइक कौन से यूनिवर्सिटी से। तो ये डिसाइडेड था कि मैं सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटी से ही एमएस करूंगी, नहीं तो इतने दूर जाने का, इतना पैसा इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं अगर वहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं मिल रहे हैं आपको। तो मैंने टॉप 5 यूनिवर्सिटीज देखी जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट स्कूल्स हैं, जिनका ओवरऑल प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो उन 5 में से फिर मैंने 4 में अप्लाई किया, एंड मैंने सोच लिया था कि अगर इन 4 में नहीं होता है तो फिर मैं इतना पैसा नहीं लगाऊंगी यूएस जाके करने के लिए। तो मैंने वो 4 ही सिलेक्ट करी। Can you tell us more about the university you did PG from? So coming to the university जहाँ से मैंने मास्टर्स किया, तो अभी उसकी वर्ल्ड रैंकिंग, मतलब यूएस बेस्ड जो रैंकिंग सिस्टम है उसमें वो नंबर 1 है फॉर सिविल इंजीनियरिंग अगर आप अंडरग्रेड करना चाहते हैं, जो कि हमारे यहाँ बैचलर्स बोला जाता है। एंड अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो उसकी रैंकिंग नंबर 2 है अभी वर्ल्ड में, बट उनका प्लेसमेंट सबसे ज्यादा अच्छा है, इवन नंबर 1 यूनिवर्सिटी से ज्यादा अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि जो 4 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से एक ये तो होनी ही चाहिए, और बाकी की जो 3 यूनिवर्सिटी थी मैंने ऑर्डर में नहीं डिसाइड करी कि उनकी रैंकिंग क्या है, मैंने प्लेसमेंट्स देखे और मैंने लोगों से बात करी। फेसबुक पे आजकल आप सबको देख सकते हैं कि किसने किस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, तो मैंने उन लोगों को कॉन्टैक्ट किया और पूछा कि अच्छा प्लेसमेंट्स कैसे हैं मेरे सब्जेक्ट में। तो उस हिसाब से मैंने 4 यूनिवर्सिटीज फाइनल करी और मेरा 4 में ही एडमिट आया। तो मैंने डिसाइड किया कि फिर जो सबसे अच्छा प्लेसमेंट जहां पर है उस यूनिवर्सिटी में जाए। मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, UIUC इज द कॉमन नेम फॉर इट, कि उसकी रैंकिंग क्या है। एंड कमिंग टू द जीआरई का खुद का पैटर्न कि कितना क्या आता है क्या नहीं आता है, तो 340 मार्क्स का पूरा टोटल पेपर होता है, उसमें 170 मार्क्स का मैथ्स आता है, 170 मार्क्स का इंग्लिश आता है। उसके अलावा आपकी एक राइटिंग एबिलिटी का टेस्ट होता है, AWA बोलते हैं जिसको, उसमें 6 में से स्कोर दिया जाता है, उसमें आपको मिनिमम 3.5 लाना होता है अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी जाना है। इंडिया का अगर एवरेज देखा जाए, जो बच्चा जीआरई का पेपर देते हैं जो भी लोग, तो 3 से 3.5 ही एवरेज है, मेरा उसमें स्कोर 4 था। एंड आई गिव क्रेडिट टू माई स्कूल, क्योंकि स्कूल मैं कामल से हूँ तो वहां पर हमेशा से इंग्लिश को बहुत प्रेफरेंस दिया गया, तो मेरी राइटिंग एबिलिटी हमेशा से अच्छी थी, तो उस वजह से मेरा अबव एवरेज स्कोर था राइटिंग में। और मैथ्स मैंने सर से ही पढ़ा है पूरा हमेशा से, 11th-12th भी मैंने यहीं पे किया था, तो मेरा मैथ्स का बेस हमेशा से स्ट्रांग था, और 10th तक का मैथ्स तो सर के साथ बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, तो इसलिए मेरा मैथ्स में 170 में से 165 स्कोर था और मेरा इंग्लिश में 170 में से 153 था, तो मेरा ओवरऑल स्कोर 318 था। जिस यूनिवर्सिटी मैंने अप्लाई किया था उसमें 315 इज द मिनिमम स्कोर टू इवन अप्लाई, तो मेरा स्कोर उतना हाई नहीं था, लोगों का 320, 321, 322 तक होता है उस यूनिवर्सिटी में करने के लिए। बट उसके साथ साथ आपका ओवरऑल प्रोफाइल भी बहुत मैटर करता है कि आपने इंजीनियरिंग कहाँ से करी है, अगर आपने आपका स्कोर कितना था इंजीनियरिंग में, आपका 10th-12th का स्कोर कितना था, तो वो सारी चीजें देखते हैं कि आपका ओवरऑल प्रोफाइल कैसा है, आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स किए हैं कि नहीं जब आप कॉलेज में थे, क्योंकि वो भी मैटर करता है। दे वॉन्ट कि आप ओवरऑल डेवलप्ड पर्सन हो, ऐसा नहीं है कि आप बस अपने मैथ्स और इंग्लिश के बेसिस पे आ रहे हो, वो चाहते हैं कि आप फुली डेवलप्ड पर्सनैलिटी हो। तो अगर आपने कुछ भी थोड़ा अपने कॉलेज में किया है, तो जब आप अपनी एप्लीकेशन भेजते हो तो आपको एक ऐसे लिखना होता है उनके लिए, कि हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग से ऐसे लिखना होता है कि आप उनके यूनिवर्सिटी में और उस प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हैं, और वो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको रिसर्च करनी होती है कि उस यूनिवर्सिटी में क्या स्पेशलिटी है जो आप कोर्स करना चाहते हो, उसके प्रोफेसर कौन है, उन्होंने किस चीज में रिसर्च किया हुआ है। तो अगर आप वो सब चीजें उसमें मेंशन करते हो तो उनको लगता है कि हाँ ये बच्चा सच में इंटरेस्टेड है इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप डिसाइड कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि 15 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया, क्योंकि दैट विल नॉट मेक सेंस, आप 15 यूनिवर्सिटीज के लिए उतने अच्छे से रिसर्च नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की थी,
जो चार सबसे अच्छी हैं और उन सिर्फ चार के बारे में ही रिसर्च करें. When you applied for four universities, how many universities did you get the selection? And when the university which you selected was established? So, मैंने चार universities में किया था apply. मेरे को चारों से admit आया. Surprisingly, मैंने सोचा था कि शायद UIUC से ना आ पाए admit क्योंकि मेरा score उतना अच्छा नहीं था. 315 is the minimum score. मेरा 318 था, but I thankfully मेरा profile अच्छा था. मेरे essays बहुत अच्छे थे जो मैंने उनके लिए लिखे थे. तो उस वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरा रिकॉर्ड टाइम में सिर्फ एक हफ्ते में एडमिट आ गया था उस यूनिवर्सिटी से. बाकी तीन यूनिवर्सिटी से भी एडमिट आया बट वो उसके बाद आया. तो दैट इज इट. एंड जो मैंने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी उसका ये वाला जो ईयर है 2018 जो ईयर निकला है अभी, दैट वॉज द 150th ईयर. वो उनका पब्लिक यूनिवर्सिटी है विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज एंड उनका सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज द सेकंड ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट दे ओन. So that is very important about when you are selecting university कि वो कितना पुराना है, कितना established है. क्योंकि जितना ज्यादा उसका establishment year पुराना होगा उतना ही ज्यादा उसके पढ़े हुए बच्चे आगे हैं. तो जब वो आप recruitment के लिए आते हो तो आप सोचते हो कि हाँ मेरा university सबसे अच्छा है तो मैं अपने university के ही बच्चों को select करूंगा. तो it's very important placements के लिए कि आपकी established university हो, कोई नई university ना हो. मैम मैंने ऐसे सुना है कि बाहर की यूनिवर्सिटी में हम सेमेस्टर कम मतलब कम सेमेस्टर्स में भी कर सकते हैं तो हमारा मनी बच सकता है उसमें. तो क्या आप कुछ बताएंगे उसके बारे में, कब तक प्लेसमेंट होता है अगर ऐसा कुछ करते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हमारे यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज हैं हमारे पास सेट पैटर्न रहता है कि अगर आपका चार साल का कोर्स है तो आपको चार साल लगेंगे कम्प्लीट करने में. बट यूएस में ऐसा नहीं है. यूएस में क्रेडिट सिस्टम है तो अगर आपको ग्रेजुएट होना है तो आपको जैसे 36 क्रेडिट्स पूरे करने हैं. तो अगर 36 क्रेडिट्स आप जल्दी पूरे कर लेते हैं तो आप जल्दी ग्रेजुएट हो सकते हो. तो वहां का प्लेसमेंट सिस्टम अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा डिफरेंट है इंडिया से. क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है कि कंपनी आती है और फिर आप जाते हो उसमें, उसके रिटर्न एग्जाम में बैठते हो, रिटर्न क्लियर होगा तो फिर आप उसके इंटरव्यू में जाते हो. कई बार उसमें भी दो तीन राउंड होते हैं. वहां पर इसका जस्ट ऑपोजिट है. वहां पर कंपनीज एक साथ आके एक मेला जैसा लगाती है जिसको वो जॉब फेयर बोलते हैं. तो आपका यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपका जॉब फेयर कितना बड़ा होगा, कितनी अच्छी कंपनीज आएंगी. तो आप जॉब फेयर में जाते हो अपना रिज्यूमे लेके और आप सबसे बात करते हो. उसके बाद वो डिसाइड करते हैं आपके बेसिस पे कि आपने कितने अच्छे से खुद को प्रेजेंट किया, आपके रिज्यूमे में क्या क्या लिखा हुआ है, कि वो किससे बात करना चाहते हैं उस दिन के बाद. तो करियर फेयर्स वहां पे दो से तीन दिन के होते हैं. पहले दिन एक मेला जैसा होता है, सब लोग जाते हैं आप अलग अलग स्टॉल्स पे बेसिकली एंड अपना आपको जो कंपनीज पसंद है उनके पास आप अपना रिज्यूमे देते हैं. नेक्स्ट डे या उस दिन शाम को आपके पास कॉल्स आते हैं कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं आपसे और बात करने में. दैट इज व्हेन यू गो एंड एक्चुअली गिव अ ऑन कैंपस इंटरव्यू. तो दैट इज द प्लेसमेंट प्रोसेस. एंड डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी हर सेमेस्टर में भी करियर फेयर्स हो सकते हैं, अलग अलग सेमेस्टर्स में भी हो सकते हैं. क्योंकि UIUC का सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट. हमारा हर सेमेस्टर में करियर फेयर होता है और वो भी सिविल इंजीनियरिंग के अलग से. तो एक इंजीनियरिंग करियर फेयर होता है जिसमें भी सिविल इंजीनियरिंग की कंपनीज आती हैं. बट उसके अलावा एक अलग से सिविल इंजीनियरिंग करियर फेयर होता है जिसमें सिर्फ सिविल इंजीनियर्स के लिए ही कंपनीज आती हैं. तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि आपकी जिस यूनिवर्सिटी से आप करना चाह रहे हैं वहां पे एक्चुअली प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, कितनी कंपनीज आती हैं, वो क्या पैकेजेस देती हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि आप जल्दी कर सकते हैं कंप्लीट कोर्स या नहीं, यस आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं कोर्स डिपेंडिंग ऑन योर क्रेडिट्स. तो जैसे मेरे यूनिवर्सिटी में 36 क्रेडिट्स कंप्लीट करने पर आप ग्रेजुएट हो जाएंगे. तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में 12 क्रेडिट्स लिए टू बी ऑन अ सेफर साइड, समझने के लिए कि हाँ वहाँ का पैटर्न कैसा है कैसा नहीं है. एंड देन जब मुझे समझ में आया कि ओ मैं इससे ज्यादा कर सकती हूँ, मेरी एबिलिटी इससे ज्यादा है, तो मैंने सेकेंड सेमेस्टर में 20 क्रेडिट्स लिए. तो बाय द एंड ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर मेरे 32 क्रेडिट्स हो चुके थे. तो आप समझ सकते हैं कि 36 मेरे को चाहिए थे ग्रेजुएट होने के लिए चार सेमेस्टर्स में, और मैंने दो सेमेस्टर्स में ही 32 क्रेडिट्स कर लिए थे. तो मेरे पास सिर्फ एक थर्ड सेमेस्टर बचा था जिसमें मुझे सिर्फ चार क्रेडिट्स करने थे, और वो मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे उस सेमेस्टर में जॉब भी ढूंढनी है. करेक्ट. तो मैंने एक सेमेस्टर फोर्थ वाला सीधे सीधे कट कर दिया तो उसका पूरा फी बच गया. एंड क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में मेरे पास सिर्फ चार क्रेडिट्स थे तो मुझे सिर्फ चार क्रेडिट्स की ही फीस भरनी पड़ी. एंड साथ साथ मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम था जॉब के लिए ढूंढने के लिए. राइट. तो दैट इज हाउ यू डिवाइड कि आप कितना लोड ले सकते हो, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने सेमेस्टर्स में खत्म करना है. कैन यू टेल अस मोर अबाउट द कंपनी एंड हाउ इज योर शेड्यूल एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम इंडिया एंड व्हाट इज द बेसिक रूटीन ऑफ योर कंपनी एंड एवरीथिंग. कमिंग टू माय शेड्यूल वंस आई स्टार्टेड वर्किंग, तो हमारे यहाँ पे ऐसा रहता है कि अरे स्कूल में जल्दी उठना पड़ता है, कॉलेज में जल्दी उठना पड़ता है, जॉब रहेगी तो इट विल बी रिलैक्स्ड. बट नहीं, ऐसा नहीं होता. इट डिपेंड्स कि आप कौन से सेक्टर में काम कर रहे हो. जैसे मेरा सेक्टर सिविल्स का है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, तो वी वांट कि हम सबसे ज्यादा जितना दिन का उजाला होता है उसमें काम खत्म कर पाए मैक्सिमम.
तो मेरा दिन स्टार्ट होता है, मेरी फर्स्ट मीटिंग होती है एवरी मॉर्निंग 6:30 पे. आप लोगों को लगेगा ओ 6:30 सुबह ऑफिस पहुंचना कितना डिफिकल्ट है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है. आपको अपना टाइम वैसे मैनेज करना है. मैं 10 बजे सो जाती हूँ तो मैं उठ सकती हूँ 5 बजे, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट. और उसका अच्छा ही पता है क्या है, सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि मैं 6:30 स्टार्ट करती हूँ, मैं 3:34 काम खत्म कर देती हूँ. मेरे पास पूरी शाम होती है एंजॉय करने के लिए हर दिन, ना कि सिर्फ वीकेंड्स पे. तो दैट इज माय स्केड्यूल एंड दैट्स हाउ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वर्क्स देयर. GRE score is valid for how many years? And secondly, what are the any other exam also is also to be appeared for getting the admission in universities in USA? So GRE ka exam ka score 5 saal tak valid hota hai. तो अगर आप अभी सोच रहे हैं कि ओ मेरी अभी प्रिपरेशन अच्छी है, थर्ड ईयर में लोड कम है, क्या मैं थर्ड ईयर में दे दूं और एक्चुअली यूनिवर्सिटीज में फोर्थ ईयर के बाद अप्लाई करूं, बिल्कुल कर सकते हैं. क्योंकि यस थर्ड ईयर में लोड कम होता है. मैंने भी अपना पेपर थर्ड ईयर में ही दिया था, मैंने अपना पेपर फोर्थ ईयर में नहीं दिया था. तो थर्ड ईयर में दे सकते हैं आप और 5 साल तक वैलिड. अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 2 साल यहाँ जॉब करना चाहता हूँ फिर मैं करना चाहता हूँ बट जॉब के साथ मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तो यस आप पहले से देके रख सकते हैं एंड आपका स्कोर बाद तक वैलिड है. तो आप 1 साल अगर जॉब करना चाहें उसके बाद भी आप उसी स्कोर के साथ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अलावा और कोई एग्जाम देना होता है या नहीं, तो हाँ एक इंग्लिश का एग्जाम और देना होता है जो आपकी स्पीकिंग एबिलिटी चेक करता है मेजरली कि आप सुन सकते हैं बोल सकते हैं इंग्लिश की नहीं. क्योंकि रीडिंग एंड राइटिंग इज नॉट दी ओनली थिंग दैट यू विल डू देयर, क्योंकि आपको नॉर्मल इंटरेक्शन भी अगर किसी से करना है तो वो भी आपका इंग्लिश में ही होगा. तो टोफिल का एग्जाम होता है जो कि 120 मार्क्स का होता है. उसमें 4 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग. चारों सेक्शंस 30-30 मार्क्स के होते हैं. तो मेरा स्कोर था 29-29 रीडिंग और लिसनिंग में, स्पीकिंग में मेरा 26 था और राइटिंग में 27. तो दैट वॉज माई स्कोर जो कि बहुत हाई स्कोर है कंपेयर किया जाए तो. बट वो एग्जाम उतना टफ नहीं होता अगर आपको थोड़ी भी हैबिट है इंग्लिश में बात करने की, या आप सर के साथ आके बात कर सकते हैं. सर बहुत अच्छे से आपको गाइड करेंगे कि उसमें एग्जाम में कैसे आपको बोलना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के आंसर आपको देने हैं. क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा एग्जाम होता है, 2 घंटे का पेपर होता है सिर्फ और 4 सेक्शन आपको देने होते हैं. तो 103 इज द मिनिमम स्कोर मेरे यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपको वहां अप्लाई करना है 120 में से. मेरा 111 स्कोर था. तो TOEFL is the other exam that you have to give apart from GRE अगर आपको US की universities में जाना. Yes, जैसा कि सृष्टि ने अभी आपको बहुत सारी information दी और ये information आपके लिए काफी useful होगी. और मैं आप सबको एक बात और बताना चाहूंगा कि सृष्टि को जब selection हुआ तो एक pressure था घर में, क्योंकि ये course obviously काफी महंगा पड़ता है, तो क्या किया जाए. तो इसने 2 चीजें करी, एक तो लोन लिया और ये डिसाइड किया था कि लोन मैं खुद पे करूंगी, और दूसरा क्योंकि वहां पर यह ऑप्शन होता है कि 2 ईयर की डिग्री को हम 1 ईयर या 1.5 ईयर में कम्प्लीट करें, तो इसने 1.5 ईयर में कम्प्लीट की. और अभी इसको 1 ईयर हुआ जॉब करते हुए, और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इसने 1/4 अपनी सैलरी से लोन का पे भी कर दिया. तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फॉरेन जाना बहुत महंगा होता है, ऑब्वियसली महंगा होता है इसमें कोई डाउट नहीं, बट उसके लिए रास्ते हैं. आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं तो बैंक आपको लोन देगा, आप खुद उस लोन को पे करें. इवन मैं कहता हूं कि अगर आपके पेरेंट्स पैसा दे भी सकते हैं तो भी मैं कहूंगा कि आप पेरेंट्स से पैसा ना लेके लोन लें, खुद की मेहनत से आप उस पैसे को चुकाएं तो आपको अच्छा रहेगा. दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात जो इसने बोली, और मेरे साथ आजकल बहुत सारे ऑनलाइन बच्चे भी जुड़े हुए हैं जो कैट GRE के कोर्सेज लेते हैं, तो मैंने एक चीज सबको बोलता हूं कि जब आप कोई भी कोर्स करते हैं तो पहले ये प्लान हो जाना चाहिए करना क्या है, और फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से ही अपने कोर्स पे फोकस रखना चाहिए. आज कई बच्चे भी बिल्कुल नॉर्मली कर लेते हैं या गाइड से पास करते हैं, तो मैं ऐसे सभी स्टूडेंट को एक सजेशन देना चाहूंगा कि बिल्कुल मत करिए. नॉलेज के लिए पढ़िए, नंबर के लिए पढ़ाई करना बंद कर दीजिए. नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो नॉलेज भी बढ़ेगी और नंबर भी आएंगे. तो अपना बिल्कुल फोकस मत हटाइए, फर्स्ट सेमेस्टर से फोकस होके जो भी एग्जाम देना चाहते हैं उस एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए. आज हर एक कोई स्मार्टफोन यूज करता है पर स्मार्टफोन का स्मार्टली यूज नहीं करता. स्मार्टफोन का मतलब होता है कि आपको स्मार्ट बनना, जो आपको स्मार्ट बनाए उससे गेम नहीं खेलना. तो जो भी कोर्स आप प्लान करते हैं उस कोर्स की पहले इन्फॉर्मेशन लें और फिर पढ़ाई करें. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.